हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। आज हमारा डिस्कशन रहेगा उस टॉपिक पे जिस पे आप काफ़ी समय से हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं। ये वीडियो बनाया जा रहा है क्योंकि आप में से बहुत जने इन दोनों गाड़ियों में कंफ्यूज्ड हैं और इसके कारण ये एक डिटेल सेशन रहेगा। तो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि मुझे लेनी चाहिए ह्यूंडई वर्ना 2018 या फिर क्रेटा फेसलिफ्ट जो भी इस साल आई है, तो कौन सी सही है और किस वजह से, बने रहिए हमारे साथ मोटर ऑक्टेन पे। दोस्तों, ये बहुत ही अलग तरीका कंपैरिजन है क्योंकि दोनों गाड़ियां ह्यूंडई की है, एक सेडान है, एक एसयूवी है, दोनों का सेगमेंट बहुत ही अलग है, पर फिर भी लोग कंफ्यूज्ड हैं। काफ़ी जने ऐसे जिन्हें ह्यूंडई ही चाहिए और केवल वर्ना और क्रेटा के बीच में कंफ्यूज्ड हैं। एक तरफ है वर्ना जो बहुत ही ज़्यादा फीचर लोडेड है, स्टाइलिश दिखने वाली गाड़ी है, और दूसरी तरफ है क्रेटा जिसे हाल ही में फेसलिफ्ट मिला है और इसमें भी काफ़ी नए फीचर्स आए हैं। दोनों गाड़ियों में थोड़े अलग फीचर्स हैं एंड विच इज़ बेटर एंड वाई। शुरू करते हैं हम आज का इस सेशन पहले डिज़ाइन से। अगर हम ह्यूंडई वर्ना की बात करें तो ये बहुत ही स्टाइलिश एंड स्पोर्टी लगती है। इस गाड़ी को नया हेडलैम्प्स मिले, नया फ्रंट ग्रिल मिला है। अब इसके जो हेडलैम्प्स है वो प्रोजेक्टर लाइट्स है विच आर वेरी गुड, और हाई बीम पे भी ये अच्छी लाइट देते हैं। ओवरऑल फ्रंट गाड़ी का काफ़ी स्टाइलिश है। अगर आप साइड प्रोफाइल से इस गाड़ी को देखेंगे तो इसे मिलते हैं 16 इंच के टायर्स और एक स्लोपिंग रूफ लाइन, शार्क फिन एंटेना, बहुत ही क्रिस्प डिज़ाइन। वहीं पे रियर एंड से गाड़ी काफ़ी अपीलिंग लगती है और यहाँ पे ये एलांट्रा की झलकियाँ दिखाती है। इसे LED टेल लैम्प्स दिए हुए हैं जो इसे काफ़ी स्टाइलिश बना देते हैं। डिज़ाइन की अगर बात करें तो वर्ना बहुत ही स्पोर्टी एंड अपीलिंग है और ये काफ़ी कैची है विथ इट्स वेरी गुड कलर्स, खास करके ऑरेंज एंड मरून जो आता है वो बहुत ही आई कैची है। वहीं पे अगर हम बात कर ले ऑफ द ह्यूंडई क्रेटा तो इसे भी हाल ही में फेसलिफ्ट मिला है और पहले गाड़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती थी पर अब स्पोर्टी नेचर में ज़्यादा है, खास करके जब इसे नया ब्लैक कलर का फ्रंट ग्रिल मिला है जो बहुत ही अपीलिंग है। इसे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते हैं, ये बाई फंक्शनल है। अब काफ़ी जने पूछते हैं कि ये बाई फंक्शनल क्या है और ये ज़्यादा एडवांटेजेस देता है क्या। जी नहीं, असल में जो रेगुलर प्रोजेक्टर लैम्प है वो ज़्यादा बेहतर है ओवर द बाई फंक्शनल, क्योंकि बाई फंक्शनल केवल एक ही लैम्प है जिसको उन्होंने बनाया गया है, और वहीं पे जो प्रोजेक्टर लाइट है उसमें दो लैम्प्स है, एक नॉर्मल यूज़ के लिए और एक हाई बीम के लिए। तो मेरे हिसाब से अगर आपको लेना है तो नॉर्मल हेडलैम्प इज़ मच बेटर ओवर द बाई फंक्शनल हेडलैम्प, और इस वजह से वर्ना की हेडलाइट्स आर मोर बेटर एट नाइट। वहीं पे अगर हम इसका फ्रंट एंड का कंटिन्यू बात करें तो यहाँ पे LED लाइट्स पहले हेडलैम्प्स में आती थी, अब उसे निकाल के फॉग लैम्प्स के वहाँ डाल दिया गया है। साइड प्रोफाइल से गाड़ी में कुछ अंतर नहीं आया है, दिखने में बॉक्सी वैसी ही है जैसे SUV इसका कैरेक्टरिस्टिक डिज़ाइन है। 17 इंच के व्हील्स दे दिए गए हैं जो इसका एक अपग्रेड है एंड ओवरऑल स्टाइलिंग इज़ गुड। 17 इंच व्हील्स काफ़ी स्पोर्टी लगते हैं और ये पुरानी वर्ना से काफ़ी बेहतर है। रियर में गाड़ी में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं आया, ये वैसे ही दिखती थी जैसे पहले है। शार्क फिन एंटेना दिया हुआ है और साथ में रूफ रेल्स है इसमें, एंड एट द सेम टाइम इसके टेल लैम्प्स काफ़ी सिंपल एंड सटल है। इंटीरियर्स अगर हम देखें तो दोनों गाड़ियों में काफ़ी अंतर है। पहले शुरू करते हैं क्रेटा के साथ जिसे हाल ही में फेसलिफ्ट मिला है। अब इसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आया है, ब्लैक एंड बेज कलर के इंटीरियर्स है। अगर आप ड्यूल टोन लेते हैं तो आपको दूसरे कलर के इंटीरियर्स मिलते हैं, अदरवाइज इसमें ब्लैक एंड बेज ही आता है। इट लुक्स प्रिटी नीट एंड ईजी टू यूज़। इसके वर्टिकल AC वेंट्स है आगे सेंटर में और 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम है। इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रिवर्स पार्किंग कैमरा और नेविगेशन जैसे फीचर्स उपलब्ध कराए गए हैं। क्लाइमेट कंट्रोल भी दिया गया है, और अगर आप SX ऑप्शन वेरिएंट लेते हैं तो आपका सनरूफ भी आता है, आपको वायरलेस चार्जिंग भी आता है और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट दिया जाता है इसमें। अगर आप क्रेटा लेते हैं तो आपको कुछ ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो आपको वर्ना में नहीं मिलते, जैसे हिल असिस्ट कंट्रोल, ESP एंड व्हीकल स्टेबिलिटी प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम्स जो आपको नहीं मिलते हैं ऑन वर्ना दिए गए हैं इन द ह्यूंडई क्रेटा। साथ में क्रेटा में आपको स्मार्ट बैंड भी दिया हुआ है जो काफ़ी यूज़फुल है अगर आप हेल्थ फिटनेस फ्रीक हैं, और बेसिकली इसे अवॉइड भी किया जा सकता है अगर ये आपके काम का नहीं है।
अगर हम इंटीरियर्स की बात कर लें तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स बहुत अच्छा है, एंड एट द सेम टाइम इसके सीट्स भी काफ़ी डिसेंट सपोर्ट ऑफर करते हैं। स्टोरेज स्पेसेस डिसेंट है, आपको एक एक लीटर की बॉटलें डाल सकते हैं फ्रंट डोर्स में, और साथ में आपको सेंटर में भी डिसेंट इनफ स्टोरेज है। एक आर्मरेस्ट भी दिया हुआ है जिसके अंडरनीथ स्टोरेज स्पेस है, और ये आर्मरेस्ट स्लाइड भी होता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख ले तो ये बहुत ही सिंपल है। अब हर ह्यूंडई की नई गाड़ी में ड्राइविंग इंफॉर्मेशन में एडिशन हुए हैं, जैसे माइलेज एंड साथ में डिस्टेंस टू एम्प्टी एडिशन डाल दिया गया है, और ये क्रेटा और वर्ना दोनों में उपलब्ध है। ग्लव बॉक्स का साइज़ भी डिसेंट है इन द क्रेटा, एंड ओवरऑल जो विजिबिलिटी मिलती है आपको गाड़ी में काफ़ी बढ़िया है। वहीं अगर हम रियर सीट की बात करें तो यहाँ पे क्रेटा को एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको वरना में नहीं मिलता है, वो है रियर सीट स्पेस। क्रेटा में रियर सीट स्पेस ज़्यादा है और हेडरूम भी ज़्यादा बेहतर है, और तीन जने आराम से बैठ सकते हैं क्रेटा में। अब ये डेफिनेटली एक बिग प्लस है, इसे एसी वेंट्स दिए हुए हैं पीछे, और साथ में एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी अवेलेबल कराया गया है। बूट स्पेस इस गाड़ी का डिसेंट है, इट्स नॉट 400 लीटर्स बट इट्स वेरी क्लोज टू 400 लीटर्स, एंड ओवरऑल काफ़ी बढ़िया स्पेस है गाड़ी में। वहीं अगर हम स्पेयर टायर की बात कर ले तो वो 17 इंच का ही आता है, बट इट इज़ नॉट एन अलॉय व्हील। यहीं अगर हम ह्यूंडई वर्ना की बात कर ले तो इसका कैबिन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम एंड सोफेस्टिकेटेड फील होता है। ये फील करता है जैसे कोई आप जर्मन गाड़ी में आके बैठ गए हो। इसे लेदर रैप स्टीयरिंग दिया हुआ है, कंट्रोल्स दिए हुए हैं जो काफ़ी शानदार है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी इजी टू रीड है। ऑफ कोर्स इसमें भी माइलेज एंड डिस्टेंस टू एम्प्टी फाइनली ऐड कर दिया गया है, और जब आप इसका सेंटर कंसोल देखेंगे यहाँ पे आपको टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स तो है ही, और रिवर्स पार्किंग कैमरा एंड नेविगेशन भी इसमें उपलब्ध कराया गया है। दोनों गाड़ियों में आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, लेदर अपोल्स्ट्री मिलता है, ABS प्लस EBD भी दिया हुआ है। लोअर वेरिएंट्स में आपको 2 एयरबैग्स आते हैं, पर इसके अलावा सिर्फ टॉप मॉडल में आपको 6 एयरबैग्स दिए हुए हैं। हायर मॉडल्स में आपको पुश स्टार्ट स्टॉप भी दिया हुआ है, और साथ में रेन सेंसिंग वाइपर्स दिए हुए हैं इन द वर्ना। क्रूज कंट्रोल दोनों में आता है, साथ में ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी हैं। इसके बाद अगर वरना में जो एक्स्ट्रा फीचर्स है वो है वेंटिलेटेड सीट्स, जो बहुत ही बढ़िया और यूज़फुल फीचर है। इसमें आपकी सीट आगे की ठंडी होती है, और गर्मियों में ये काफ़ी अच्छी राहत दिलाते हैं आपको। वहीं रियर सीट्स वरना के स्पेस इतनी अच्छी ऑफर नहीं करते, पर सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है। पीछे रियर एसी वेंट्स है और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी है। नी रूम इतना ज़्यादा नहीं है, हेडरूम भी जस्ट सफिशेंट है अगर आप 6 फीट है, वरना इट इज़ अ बिट टाइट अगर आप ज़्यादा टॉलर है। तीन जनों का बैठना पीछे टाइट है, और दो जने ही रेकमेंडेड है पीछे बैठने के लिए। बूट स्पेस इस गाड़ी का इज़ डिसेंट, एंड एट द सेम टाइम इसमें आपको स्मार्ट ट्रंक आता है। स्मार्ट ट्रंक बेसिकली एक फीचर दिया हुआ है जिसमें मान लीजिए आपके दोनों हाथ भरे हुए हैं और आप बूट की तरफ जाते हैं तो बूट अपने आप खोल देगा अगर आपके जेब में चाबी है और कार लॉक्ड है। अब बढ़ते हैं टू द इंजन्स, और ये बहुत ही क्रूशियल टर्निंग पॉइंट है इस वीडियो का। दोनों गाड़ियों में आपको 1.6 लीटर पेट्रोल एंड 1.6 लीटर डीजल आता है, पर जो क्रेटा आती है उसमें 1.4 लीटर का डीजल भी है, और वरना में आपको 1.4 लीटर का पेट्रोल दिया हुआ है। दोनों गाड़ियों में अंतर आ जाता है इन टर्म्स ऑफ इंजन्स, क्योंकि अगर आपको छोटी इंजन चाहिए इन द क्रेटा तो हम उसे रेकमेंड नहीं करते, हम कहते हैं आप क्रेटा ले रहे हैं तो 1.6 डीजल ही देखिए, पर वरना में 1.4 लीटर पेट्रोल ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों गाड़ियों में से आपके लिए कौन सी सही है और कौन सा इंजन। तो पहले शुरू करते हैं हम लो बजट इंजन्स के साथ 1.4 लीटर पेट्रोल। इसका परफॉर्मेंस इज नॉट द बेस्ट इन इट सेगमेंट, पर डिसेंट इनफ है। आप इसे सियाज के करंट 1.4 इंजन के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और चलाने में काफ़ी आसान है। परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, पर ड्राइवेबिलिटी काफ़ी इंप्रूव हुई है, आपको ज़्यादा गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसकी माइलेज सिटी में आपको मिलेगी लगभग 11 से 12 किलोमीटर पर लीटर, और हाईवे पे ये 15 से 17 तक दे देगी। वहीं पे अगर आप 1.6 लीटर से कंपेयर करो पेट्रोल को इससे, तो वो आपको सिटी में 9 से 10 और हाईवे पे 14 से 15 किलोमीटर का माइलेज दे देगी। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस डेफिनेटली 1.6 बेटर है, इन टर्म्स ऑफ बेटर पिकअप 1.6 बेटर है, ड्राइवेबिलिटी में भी 1.6 अच्छी है, पर ओवरऑल अगर आपको सिटी ड्राइविंग ही करनी है
देन 1.4 मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, पर अगर आप हायर वेरिएंट ले सकते हैं तब जाइए 1.6 के लिए, क्योंकि उसमें आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा फीचर्स। वहीं अगर आप 1.6 डीजल की बात कर ले वरना की, तो ये काफ़ी शानदार है, चलाने में बहुत बढ़िया है, माइलेज भी अच्छी देती है, एंड ओवरऑल मेरे लिए अगर एक इंजन जो सबसे अच्छी है इन द वरना इट इज़ द 1.6 लीटर डीजल, वो भी मैनुअल। ऑटोमेटिक अच्छी है दोनों, पर 1.6 लीटर डीजल मैनुअल का परफॉर्मेंस इज टेरिफिक, क्लच भी लाइट है, गियर शिफ्ट स्मूथ है, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है ये एज अ कंप्लीट पैकेज। अगर आप मुझसे पूछ ले एक चॉइस वरना की जो सबसे बेस्ट है तो 1.6 डीजल है। पेट्रोल में दोनों इंजन्स अच्छे हैं, और अगर आपको मेजरली एंथुजियास्टिक ड्राइविंग नहीं चाहिए, परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, देन यू शुड सेटल इन फॉर द पेट्रोल। वरना का 1.6 लीटर डीजल इज टेरिफिक। अब बात करते हैं ऑफ द ह्युंडई क्रेटा, 1.6 लीटर पेट्रोल, 1.6 लीटर डीजल, 1.4 लीटर डीजल। 1.4 लीटर डीजल काफ़ी अच्छा है, लीनियर पावर देता है, यानी कि आपको सिटी में ज़्यादा गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर ये आपको वो सडन पावर नहीं देता है जो आपको 1.6 देगा। माइलेज भी 1.4 की ज़्यादा है, सिटी में आपको 15 से 17 दे देगी, और हाईवे पे ये 19 से 22 तक जा सकता है। वहीं पे जो 1.6 है वो आपको सिटी में देगा क्लोज टू 13-14 किलोमीटर्स पर लीटर, और हाईवे पे 18 से 19 का माइलेज देगा। ओवरऑल अगर मुझे एक विनर चूज़ करना है फ्रॉम 1.4 एंड 1.6, अगेन कहानी वही है, अगर आपको चाहिए सिटी ड्राइविंग के लिए केवल गाड़ी देन 1.4 मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, पर अगर आप वैल्यू फॉर मनी चूज़ कर रहे हैं तो 1.4 1.6 में 1.6 ज़्यादा बेहतर वैल्यू फॉर मनी है आपके लिए। और क्रेटा का 1.6 इज़ प्रिटी गुड फॉर डेली ड्राइविंग, बस उसकी माइलेज थोड़ी मार खा जाती है, खास करके ऑटोमेटिक की। तो सिटी में आपको मैनुअल पेट्रोल देगी क्लोज टू 9-10 किलोमीटर्स पर लीटर, और वहीं पे ऑटोमेटिक देगी आपको 8-9 किलोमीटर्स पर लीटर, और ये इसका एक मेजर ड्रॉबैक है, लो माइलेज ऑफ द पेट्रोल ऑटोमेटिक। अब बढ़ते हैं टू द मेन सवाल कि आपको कौन सी लेनी चाहिए, क्रेटा या वरना। अगर आप पर्सनली खुद चला रहे हैं, आपको गाड़ी चलाने का बहुत शौक है, देन इट इज़ द 1.6 लीटर डीजल वरना फॉर यू। इससे बेहतर आपको कोई चॉइस नहीं मिल सकती, आपको चलाने में भी बहुत मज़ा आएगा, एंड इट्स अ ग्रेट पैकेज। जो कीमत पे ये आती है उससे 2-2.5 लाख रुपए ज़्यादा पे आपको क्रेटा मिलेगी, एंड दैट विल हैव सिमिलर पावर टू। अगर आपको चाहिए एक ऊंची बैठने वाली गाड़ी, देन इट इज़ द ह्युंडई क्रेटा फॉर श्योर। अब एक फाइनल सवाल, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कौन सी है। देखा जाए तो दोनों गाड़ियां अपनी जगह पे सही है, पर क्रेटा पे थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम चार्ज किया जा रहा है फ्रॉम ह्युंडई, क्योंकि एट द मोमेंट ह्युंडई की मोनोपोली है वहाँ पे। वहीं पे वरना को टफ कंपटीशन दे रही है होंडा सिटी, सियाज और यारिस, इसकी वजह से ह्युंडई ने इसे काफ़ी एग्रेसिवली प्राइस किया है। तो अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए तो वरना इज़ एन एक्सीलेंट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, ना केवल क्रेटा के सामने बल्कि होंडा सिटी, यारिस और सियाज के सामने भी। सो इट्स अ ग्रेट ओवरऑल प्रोडक्ट, और हमारी तरफ से क्रेटा से ज़्यादा बेहतर इज़ द वरना एज अ बेस्ट वैल्यू फॉर मनी चॉइस। अगर आप क्रेटा लेते हो ओवर द वरना, तो आपको डेफिनेटली कुछ ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो आपको वरना में नहीं आते, बट एट द सेम टाइम क्रेटा एक काफ़ी स्पेशियस एंड कम्फर्टेबल कार है फॉर 5 पीपल, जो वरना थोड़ी टाइट हो जाती है, और इसकी वजह से क्रेटा बिकम्स अ बेटर बेट देन। सो अगेन लास्ट में, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ह्युंडई वरना ओवर द ह्युंडई क्रेटा। दोनों गाड़ियां सही है, जो भी लेंगे आप गलती नहीं कर रहे, पर अगर आप हमारी माने देन इट्स ह्युंडई वरना फॉर श्योर। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हमें ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स नीचे छोड़ दीजिए, इस वीडियो को तुरंत ही लाइक और शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल। मिलेंगे कल फिर से दोस्तों।